हेलो एंड वेलकम टू द बिना डिकोड्स। वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड, बिकॉज आज ये एपिसोड मैं मेरी फ्रेंड हु वाज अ देबिना डिकोड्स ऑडियंस उसके साथ करने जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। उसकी दूसरी परिचय ये है कि वो मेरी फेलो मॉमी है, एंड मॉमी मॉमी बॉन्ड जब बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, बिकॉज वी आर इन द सेम बोट। और सबसे मज़ेदार बात मैं बता दूँ, शी आई मेट हर हाउ। हम लोग एक काम के लिए बैठे थे, यू नो, बिफोर लियाना वेंट इन टू द स्कूल। तो हमारा कुछ क्या चल रहा था, ओरिएंटेशन चल रहा था, और सीरियस मूड में बैठे हुए थे, और दरवाजा खुला एंड वी एंटर हुई, और घुसते ही बोली एंड देयर वाज अ प्रॉपर साइलेंस। और मैंने कुछ ना इधर देखा ना उधर देखा, आई जस्ट सॉ देबिना एंड गुरु। मेरी गुरु पे भी नजर नहीं गई, मैंने देबिना देखा और मैं जोर से चिल्लाई पूरी क्लासरूम में, देबिना डिकोड्स। जैसे आई एम्बैरेस्ड, मैं थोड़ी सी एम्बैरेस्ड भी हो गई। मैं प्रिंसिपल से मुझे ना डांट दे ये क्या हो रहा है, बट आई अंडरस्टूड दैट एक्साइटमेंट। शी इज दैट पर्सन हु हैज लव्ड मी फ्रॉम देबिना डिकोड्स। तो आज मैं देबिना डिकोड इसीलिए इतनी बार बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन आई वॉज विथ यू, विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट जिस तरीके से मैं आप लोगों के घर के अंदर, आपके दिलों के अंदर पहुँची हूँ थ्रू देबिना डिकोड इज कमेंडेबल। उनके साथ वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यू नो शी इज़ एन एक्स एयर होस्टेस एंड आई एम एन एक्स एक्टर। आई विल नॉट रियली से एक्स एक्टर, बिकॉज आई स्टिल हैव दिस विजन कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी। इनके बारे में इवेंचुअली हम बातें करते करते पता करेंगे कि क्या होने वाला है। बट बोथ ऑफ अस बिलोंग टू द टू मोस्ट ग्लैमरस प्रोफेशन दैट अ गर्ल डिजायर्स टू गो, लाइक यू नो, एयर होस्टेस एंड एक्टर। आप किसी भी टीनेज लड़की को पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो, हाँ, या तो मैं एक्टर बनना चाहती हूँ या तो मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, और मोस्टली मैं मिस इंडिया भी बनना चाहती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, मैं खुद मिस इंडिया बनना चाहती थी एंड इवेंचुअली इट मेड मी एन एक्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे मिस इंडिया इवेंचुअली एक्टर बनते हैं, तो फिर मैंने बिगर पिक्चर को ही पकड़ा। आफ्टर मदरहुड, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ आवर बेबीज एंड यू नो बैलेंसिंग लाइफ एंड एवरीथिंग, किस तरीके से हम हमारे जो फर्स्ट लव था उसको नहीं भूले, और उसी के साथ एक दूसरे का मेकअप करके देखेंगे कि हम भूले कि नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और हम लोग कितना अच्छा करते हैं और कितना अलग है exactly. ये दोनों मेकअप, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी इंक्विजिटिव अबाउट यू नो एयर होस्टेस मेकअप। मुझे लगता है कि ये लोग अर्ली मॉर्निंग या फ्लाइट में चढ़ो फ्रेश तो लगते भी है। फ्रेश लगते हैं आधी रात को, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यू नो कुछ इवेंट इवेंट से हम वापस आ रहे होते वी आर लाइक कंप्लीटली ड्रेन्ड, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग प्रॉपर। सो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट, हम देबिना डिकोड में डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं कि उसके फेस में बिल्कुल मेकअप नहीं है, एंड दिस इज द ब्लैंक कैनवस दैट वी विल स्टार्ट द मेकअप फ्रॉम दोनों ही। दिमाग में ऐसे चलते रहेगा कि यू नो स्किन केयर इज एवरीथिंग। और हम जब भी आपस में बात करते हैं तब भी मैंने एक सिमिलैरिटी देखा है कि स्किन केयर इज द अल्टीमेट फॉर बोथ ऑफ अस। एग्जैक्टली। हाँ, अभी भी तुम बहुत स्किन केयर करती हो ऐसा मैंने सुना है। और मैं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव आफ्टर सर्टेन एज इट्स अ रिक्वायरमेंट मोर देन मेकअप। आई थिंक जितना आप अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। हाँ, तो इसीलिए बिना मेकअप में एकदम से नहीं लगता है। कौन है ये? मेरा और देबिना का हमेशा एक चीज होता है, स्कूल में जितनी भी मम्मीज आती है, आई थिंक वी आर ओनली 4 or 5 मम्मीज जो थोड़ा प्रेजेंटेबल या बन के या मेकअप करके आती हैं। और मैं और देबिना जब भी होते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं अदर मम्मीज के, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है। सो आई विल स्टार्ट विद अ प्रेप। दिस इज यू नो द फरसाली एसेंशियल ऑयल। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जितना हाइड्रेटेड स्किन होगा उतना अच्छे से यू नो मेकअप ग्लाइड करेगा। तो मैं एक्चुअली मेकअप तो हम कर रहे हैं, लेकिन आई वुड आल्सो वांट टू नो कि आई मीन व्हेन डिड यू स्टार्ट मेकअप। तो आपको जान के बहुत हंसी आएगी कि मेरी मम्मी
लिपस्टिक भी नहीं लगाती हैं, और मेरी दोनों बहनें जो हैं दे आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट इनटू मेकअप। और जब मैं सिर्फ 3 या 4 साल की थी, मम्मी बोलती थी कि मैं हमेशा मिरर के आगे खड़े होके कुछ कुछ करती रहती थी, और जब भी वो अपनी मुझे फ्रेंड्स के घर लेके जाती थी मैं उनका पूरा मेकअप डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो मुझे वो एक बचपन से ही था, ये चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे मेकअप इतना पसंद क्यों है। और जब मैं हाई स्कूल में आई तो सबने मुझे ये एडवाइस किया जो मेरे फ्रेंड्स थे, तुझे तो कैबिन क्रू बनना चाहिए, उसमें तू रोज मेकअप कर सकती है। एंड दैट्स हाउ आई एम लाइक, ठीक है मैं कैबिन क्रू बनती हूँ सिर्फ मेकअप करने के लिए। जब आप एविएशन स्कूल में जाते हैं, जैसे मैं फ्रैंकफिन में गई थी जम्मू, और वहाँ पे फिर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें सिर्फ मेकअप ही नहीं था, उसमें आपका टूरिज्म था, हॉस्पिटैलिटी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, स्विमिंग क्लासेस होती हैं। तब मुझे समझ आया कि इट्स नॉट ओनली जस्ट अ मेकअप थिंग, बट यहाँ पे पढ़ाई भी करनी होती है। इज इट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोफेशन टू स्टार्ट विद? यू नो, मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां भी ये कर सकेगी? डेफिनेटली कर सकते हैं। मोस्टली जो फॉरेन एयरलाइंस होती हैं वो आपको प्रिफर करेगी कि आप कोई इंस्टीट्यूशन से आ रहे हो, बट जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है उसमें आपके वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं, तो एनी वन कैन गो एंड अप्लाई एज लॉन्ग एज आप एक क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव आई वुड से, लाइक जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो 1.5 लाख तक 1 ईयर का फीस होता है। तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2006 मुझे ऐसा लगता था कि यू नो इससे ग्लैमरस प्रोफेशन और कुछ नहीं हो सकता है, मतलब आप रोज मेकअप करके और देश विदेश, मेरा पैशन घूमने का था, दिस इज अ वेरी टिपिकल एक्टिंग वाला मेकअप। तो एक्टिंग में भी एक्चुअली बहुत प्रकार के मेकअप होते हैं, दिस इज द प्रिविलेज आई वुड से तुम्हारे करियर के लिए, बिकॉज हमारा कैबिन क्रू का कैसा होता है कि आपका जो यूनिफॉर्म है और आपका जो स्किन टोन है, एयरलाइंस एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो कर रही होती है मोस्टली विद मेकअप, तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे कि मैं ब्लूज कर लूं आईज में या ग्रीन कर लूं, नो दे वांट। या फिर मैं और एक सीक्रेट बताती हूँ कि हर एक कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप होता है। हाँ। और कभी कभी यू नो कैरेक्टर इतना प्लेन सिंपल होता है, जैसे मेरा फर्स्ट काम शुरू हुआ था एज सीता, ना ब्राइट लिपस्टिक लगा सकती है, और जब हरण हो गया था उसके बाद तो मतलब आई मेकअप भी ऑलमोस्ट नहीं कर सकते। लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक्टिंग मैंने यू नो यू हैव टू लुक वेरी वेरी ग्लैमरस, जैसे मुझे लगता है कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप करना पड़ता है। okay. तो वहाँ मतलब वहाँ पे कभी कभी यू नो थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मोए 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 मोए। आप सोच के गए कि आप कुछ सजेंगे, लेकिन आपका नहीं, यही आपका लुक है। बहुत बारी ऐसा हुआ है मेरे साथ। व्हिच इज योर फेवरेट लुक एज एन एक्टर, कैसा आपको मेकअप पसंद है? विश में जिस तरीके से जो मेकअप मैंने किया था मुझे वो, हाँ मुझे बहुत, क्योंकि वहाँ पे काफी एक्सपेरिमेंट्स होते थे। अभी मैं थोड़ा सा विश जैसा ही मेकअप करूंगी आपका, तो आई एम लाइक डूइंग अप बिल्डअप, धीरे 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 मैं बिल्डअप कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू अ लिटिल स्मोकी आईज, ओके नॉट वेरी मच। And I think mostly जो birthday parties आप attend करते हो उसमें आपका makeup, मैं एकदम natural लगती हूँ जैसा। हाँ I think depending on the timing also, मैंने देखा है जब आप morning में होते हो तो आपका काफी natural रहता है, but कभी evening functions में आप थोड़ा सा विश कन्या जैसा मेकअप कर लेते हो। विश कन्या जैसे मेकअप कर पाती हो? देखा मैंने। विश ये है विश कन्या साक्षात मेरे सामने बैठ के आज मेरा मेकअप कर रही है। तो स्मोकी आईज मैं बहुत इस तरीके से करती हूँ ताकि यू नो बहुत कभी लाउड ना लगे, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, तो इसमें प्रकार के ब्राउन है, अलग 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 अलग, लाइट ब्राउन, थोड़ा डीप ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन। सो अगर आपका दिखे कि यू नो यहाँ पे मेकअप शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो मतलब आपने बहुत अच्छा मेकअप नहीं किया। तो एक टाइम था मैं देवीना रिकॉर्ड्स सिर्फ घर में बैठ के ऐसे देखती रहती थी, और हम लोग अभी 2 साल पहले ही इंडिया आए हैं,
और मैं तो काफी टाइम से इनको फॉलो कर रही थी। इंडिया आए हैं, कहाँ से आए? वो भी जॉर्डन से, अमान जॉर्डन, एंड दे आर माय फर्स्ट फ्रेंड्स हियर इन इंडिया। एब्सोल्युटली, मुंबई का कौन सा चीज किधर है मुझे उसको बताना पड़ता है। बैंड्रा इधर है। मैं बोलती हूँ बैंड्रा एंड देबिना बोलती है उधर है। ऐसा होता है। मैं देबिना डिकोर्स तो जॉर्डन में थी तब से देख रही थी, बट कौन सोच सकता था कि जिनको मैं बस ऐसे देख के पसंद करती हूँ, एंड देन योर IVF जर्नी जो आपने शेयर की थी देबिना डिकोर्स में, उसके बाद यू नो आई जस्ट लाइक कि हाँ ये इनके ब्लॉग्स मुझे देखने चाहिए, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत एंटरटेनिंग होता है, हंसी भी आती है कुछ कुछ जहाँ पे गुरु आ जाता है बैकग्राउंड में। एक्चुअली देबिना यू रिमेम्बर गुरु को हमारे साथ इसमें भी आना था बैकग्राउंड में, पर अभी आज गुरु घर पे है नहीं। हाँ। नहीं तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए कभी कभी प्रश्न आते हैं मेरे पास कि इसमें गुरु क्यों नहीं दिख रहे। अरे वो बिजी है, होते तो वो आई जाते पक्का, यहाँ पे बैकग्राउंड में ही होते, इधर गुरु खड़ा होता। तो आज ब्रो मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगी, बिकॉज आई फील दैट द बोल्डर द आईब्राउ द स्ट्रॉन्गर द पर्सनैलिटी लुक्स। द फनीएस्ट थिंग इज हमारे पास मेकअप एक दूसरे का कर रहे हैं लेकिन मिरर नहीं है कि वो देख सके कि मैं लग कैसी रही हूँ। तो भरोसे पे बैठे हुए। हाँ, भरोसे पे दुनिया कायम है यहाँ पे मेरा भी। बट आई नो मैंने देबिना का मेकअप देखा है तो वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, वो बहुत फास्ट मेकअप करती है। टेक्निकली मेरा मेकअप हो गया है। टेक्निकली जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो मैं देबिना को बोल, देबिना मुझे बोलती है मुझे 10 मिनट पहले बता देना। Did you go through any kind of a postpartum, you know? Of course I did, because मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशन एक टाइम पे ही हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हिट हुआ तो काफी क्रू का मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ले ऑफ हो गया था, उसी टाइम में फिर मैंने कंसीव भी किया, एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू कि हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, और इंडिया आने के बाद भी यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट था तो होम अरेस्ट हो गए थे सब लोग, एंड देन आई थिंक व्हेन आई वाज 5 or 6 months प्रेग्नेंट फिर मुझे कोविड भी हुआ था। तो जब बेबी हुआ ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स कुड नॉट ट्रैवल बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी तो मोस्टली सब चीज़ें अकेले ही हुई है, बट ऑफ कोर्स माय पार्टनर ही इज सो वंडरफुल टू मी, ही वाज देयर थ्रू आउट, एंड उनकी वजह से ही मैं इस चीज से ओवरकम कर पाई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, आई मीन देर आर सो मेनी पीपल हु आस्क मी दैट, मतलब हु टेल मी दैट हाउ डू यू स्टे सो पॉजिटिव एंड ऑल, बट मेरी बात तो मैंने शायद बहुत बार की है और मैं आगे भी करूँगी, बट आई वॉन्ट टू आस्क अ मॉम हु वॉज ऑल्सो अ वेरी करियर वूमन। ऐसा नहीं कि हु हैड जब मैं फ्लाई कर रही थी तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मन में आया कि यू नो मैं सिर्फ बिजनेस क्लास में अभी फ्लाई नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं कुछ और चाहती हूँ, अब एयरलाइन इंडस्ट्री में और क्या होगा, तो आप पर्सर बन जाते हो, एंड थैंक गॉड मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैं 2 साल के अंदर अंदर वापस SCCM बन गई, जो यू नो वी हैव सिंगल आइल एयरक्राफ्ट एंड डबल आइल एयरक्राफ्ट, फिर मैं लीड करने लग गई, और फिर और 2 साल के बाद मैं इंस्ट्रक्टर बन गई। तो फिर मैं जितने भी न्यू कामर्स होते थे फ्रेशर्स उनको ट्रेनिंग देती थी, कैप्टन्स को मैं CRM कोर्स देने लग गई थी। उसके बाद कोविड आ गया और फिर मैं घर पे बैठ गई। मतलब डिड यू एनी टाइम फील बैड अबाउट द होल थिंग? आई विल टेल यू, वंस अ क्रू इज ऑलवेज अ क्रू, और ये क्रू जानते होंगे। और आई समहाउ फील वंस अ करियर वुमन इज ऑलवेज अ करियर वुमन। इट इज सो, आपको वो लगता है जैसे मैं हमारे मेरी एयरलाइंस में हर महीने मेरे कम से कम 4 या 5 लेओवर्स डेस्टिनेशन होती ही थी। आज आप न्यूयॉर्क में हो, कल आप बैंकॉक में हो, फिर आप पेरिस में हो, फिर आप स्पेन में हो, मैं इतना ट्रैवल करती थी। और उसके बाद आप घर पे हो एक छोटे से बेबी के साथ, उसको आप नर्चर कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी दोनों में सेम जॉय है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। यू डू मिस योर करियर, यू वांट टू फ्लाई अगेन, बट जब मैं अपने बेबी को देखती हूँ आई जस्ट वांट टू बी विद हिम, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ आल्सो अ ग्रोथ।
तो वो एक फेज होता है जो आप वो कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको पूरा अपना डेडिकेशन देना होता है. एंड आई फील अभी ये फेज है जो मेरा मम्मी वाला फेज है, एंड आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट हियर. मुझे ऐसा लगता है यू नो मदरहुड चेंजेस एवरीथिंग अबाउट यू. तो आप अपने आप को वैसे देखते हो जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं था. देबिना आई टेल यू इज सो डेडिकेटेड. जहाँ पे भी बच्चों की बात आती है, माय सन लव्स हर फूड. ये हर दिन सिर्फ अच्छा खाना क्या खिलाऊं, नया ट्राई क्या करूं, बच्चों को कौन सी एक्टिविटी कराऊं. हमारा पूरे स्कूल को इसने इन्वॉल्व कर रखा है. हम लोग सब यहाँ पे आके फुटबॉल क्लास करते हैं बच्चों के साथ, बिकॉज इट्स ऑल देबिना. अभी उसको बच्चों को डांस भी सिखाना है, वो लियाना और दिविशा को जिम भी करा रही है. वो इतनी बिजी है, वो तीनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं. मतलब मेरे घर में खाना आता है, देबिना गाजर का हलवा बना के भेजती है. अभी लिपस्टिक लगा दो नहीं तो बहुत ज्यादा तारीफ कर देगी. नहीं बट ये फैक्ट है. और ये मुझे पूछा इसने कि गाजर का हलवा कैसा था. मैंने कहा अच्छा था बट खोया कम था. वो बोली वो तेरे लिए नहीं था, वो तेरे बेटे के लिए था. ज्यादा खोया मामा से ना बच्चों के पेट खराब होने के चांसेस होते. बट आई थॉट यू आर सेंडिंग इट फॉर मी. तो मेरा मेरे बेबी की तो संगत है तुम्हारे साथ, तुम्हें भी पता है. तुम्हारी फिश खाता है, तुम्हारी चिकन ब्रोकली खाता है, उसको सब पसंद है. बाय द वे उनके घर में कुक है पर वो अपने बच्चों का खाना खुद ही बनाती है. मुझे अच्छा लगता है. इसी के साथ मेरा मेकअप बिल्कुल मैंने फिनिश कर दिया. wow. लेकिन यू नो विदाउट एडिंग दैट एक्स्ट्रा ग्लो मेरा मेकअप कभी फिनिश नहीं हो सकता. सो आई विल यूज यू नो लिटिल समथिंग जो स्किन में दैट एक्स्ट्रा ग्लो देगा. और एक लास्ट चीज, मुझे तो फिर भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करने की आदत है तो मैं ऐसे ब्लिंक 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 नहीं करती हूँ. लेकिन इसको शायद उसकी भी आदत नहीं है तो इसको बहुत वो हो रहा है. टिक 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 मुझे करने ही नहीं दे रही. मैं पकड़ के कर लूंगी अभी देखो. सो दिस इज द फाइनल मेकअप. I think I did a fairly good job. विश में ऐसा ही कुछ मेकअप था और मोर ऑर लेस यू नो लाइक अ ग्लैम मेकअप में थोड़ा सा बोल्ड आईज करते हैं और लाइट न्यूडिश लिप्स करते हैं. ये आप अभी मिरर देख सकती हैं. ओह वाओ बहुत सुंदर है. हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम योर लुक इफ यू डू इट योरसेल्फ. तो आपने मेरी आईज बोल्ड की है और लिप्स सॉफ्ट किए हैं. जो मैं आपका मेकअप करने वाली हूँ वहाँ पे आपकी आईज सॉफ्ट होंगी और लिप्स बोल्ड होंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज पूछूंगी, बिकॉज यू सेड ना कि हमारा उल्टा होता है. मतलब आप उल्टा करोगी उसका कोई उल्टा रीजन? हाँ, सो जो क्रू मेकअप होता है ना इट इज मोर अबाउट लुकिंग क्लासिक. और आपके पास एक प्रॉपर ग्रूमिंग मैनुअल होता है जिसमें हर एक स्किन टोन से रिलेटेड आपके पास कलर ऑप्शंस होते हैं कि आप ये कलर यूज कर सकते हैं या कौन सा कलर यूज कर सकते हैं. हाँ, तो, लेकिन द लिपस्टिक कलर वो तो मुझे लगता है सारे एयरलाइंस सेम कलर पहनते हैं. नहीं exactly. एक एयरलाइन का सेम कलर होता है लेकिन इट वेरीज फ्रॉम द स्किन टोन. तो जरूरी नहीं है कि जो रेड मुझको सूट करेगा वो आपको भी सूट करेगा. तो ये हमें पता चलता है हमारे अंडर टोन की वजह से. सो आई थिंक आपका जो अंडरटोन है, क्योंकि आपका जो वेन है वो ब्लू लग रहा है, आई थिंक आपका कोल्ड है. मतलब कि आपके ऊपर न्यूट्रल तो नहीं, मैं बोलूंगी आपका कोल्ड ही है, ऑलिव भी नहीं है. तो आप तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी शॉप में जाते हैं ना, जैसे अपना ब्यूटी शॉप होता है, टीरा है, सफोरा है, प्लीज आस्क देम कि मेरे अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मुझे आप लिपस्टिक कलर शेड्स बताइए. अजीब बात है जो मैं कई बार मतलब यू नो खुद सोचती हूँ बताऊंगी लेकिन मेरा मिस हो जाता है बोलना. लोग बोलते हैं बेबी स्किन. तो एक्चुअली जब मैं बेबी थी, मैं तो ये बोलूंगी मतलब 15-16 साल से जब से एक्चुअली मैंने आई थॉट अबाउट एनीथिंग यू नो सीरियसली द प्रोफेशन, ब्यूटी प्रोफेशन, उस टाइम पे मिरर के सामने मैंने देखा था मेरी स्किन में तब बड़े बड़े पोर्स होते थे, पिंपल्स होते थे. जब
मतलब अगर रामायण के टाइम का भी मैं बताऊं, दैट इज द टाइम जब लोग मुझे जानने लगे थे और मेरे पास कुछ यू नो प्रॉपर फोटोज है अभी भी, तो उस टाइम पे कि भी अगर मेरे पास अगर मैं कुछ फोटोज दिखाऊं, तो आई डिड नॉट हैव अ दिस इज द स्किन दैट आई हैव नाउ इज नियर परफेक्ट. परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, यू नो इट इज नियर परफेक्ट इन द सेंस कभी कभी मुझे एक आधी कभी ब्रेकआउट्स होता है. आई नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द ब्रेकआउट्स. आई नो हाउ टू यू नो गेट रिड ऑफ द मार्क्स दैट आई गॉट. वन थिंग यू हेट अबाउट मेकअप. वन थिंग दैट आई हेट अबाउट मेकअप नहीं, एक वन थिंग दैट आई हेट इन मेकअप इज वाटरप्रूफ मस्कारा. मुझे वो लगता है बहुत ही इरिटेटिंग, मतलब काफी ब्रेकेज भी हो जाती है ना उससे लैशेस की. लैशेस ब्रेकेज हो जाता है, प्रॉपरली निकलता नहीं है. एंड सम ऑफ द गुड ब्रांड्स हैव लाइक रियल वाटरप्रूफ मस्कारा जो कि धूले नहीं धुलते. हाँ. और इतना मुश्किल होता है उसको निकालना, बाप रे बाप. बट टेल मी, ये क्या कोई मिथ है? जैसे जो एक्टर्स होते हैं उनका जो मेकअप होता है, इट हैज मतलब आपको बहुत ज्यादा लेयर्स पहनाई जाती है मेकअप की? बिल्कुल भी नहीं. आई मीन या मैं जितना देखी हूँ ऑफ लेट, लेस इज मोर. और ये चीज एक्चुअली वेस्ट में बहुत पहले आ चुका था. हाँ. तो जब भी विदेशी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते थे वो इतना कम लगाते थे कि हमें लगता था अरे कंजूस है, बड़े मेकअप क्यों नहीं लगा रहे, थोड़ा सा मेकअप मेकअप आपको मेकअप आर्टिस्ट बुलाया ना, आपको पैसे दे रहे ना, तो थोड़ा मेकअप लगाओ. हाँ. और थोड़ा सा मेकअप लगाओ ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट इतना ऐसे रूडली नहीं बोल सकते थे. तो टेल मी समथिंग, अगर जैसे किसी का स्किन प्रोन मतलब एक्ने प्रोन स्किन है और उनको मेकअप करना भी मैंडेटरी है, तो उनके लिए फिर क्या फैसिलिटीज होती हैं? मैं तो बोलूंगी एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम गट, है ना. सो अगर हम हमारा बेसिक को ठीक कर दे, विच इज हैविंग अ गुड गट, लाइक ईटिंग क्लीन, ईटिंग बिकॉज वी ऑल नो ईटिंग क्लीन एंड व्हाट इज ईटिंग जंक एग्जैक्टली ऑल अबाउट. तो इफ आई फील दैट आप क्लीन ईटिंग कर सकते हो, तो बेसिक में ही आप पहले अपने स्किन को ठीक कर रहे हो. सेकेंड इज डूइंग रेगुलर स्किन केयर. स्किन केयर भी मैंने लोगों को देखा है अच्छा अच्छा करते हुए, लेकिन यू नो रात को घर आके कभी लेट हो गया या ऐसा कुछ, यू नो बिना मेकअप उतार के सो जाना, आई मीन दिस इज लाइक द क्राइम दैट यू आर डूइंग विथ योर स्किन. Actually. So whatever you are in a whatever state of mind you are tired, you are dead. मतलब बाथरूम में जाके एटलीस्ट मुंह का मेकअप धो लो, कुछ लगाओ कि नहीं भी भाई, लेकिन मेकअप तो उतार लो. रात को जब सोते हमारा स्किन ना ब्रीद करता है, और उस टाइम पे पोर खुल जाता है और आपका सारा दिन का मेकअप पूरे में घुस के पूरा शट करके उसमें स्किन को बर्बाद कर देता है. इन माय प्रोफेशन, मतलब माय प्रोफेशन में मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं टीवी की बात करूंगी, बिकॉज टेलीविजन हैड बीन लाइक माय बिगिनिंग एंड इवन नाउ आई विल से दैट आई एम फ्रॉम टीवी. तो रोज एक ही मेकअप मोस्टली करना होता है आपको भी. हाँ, चिड़ियाघर में भी, मतलब आपका जो एक कैरेक्टर है. हाँ. उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही आपको मतलब जब तक आप वो कैरेक्टर कर रहे हो जी, एक पैटर्न का ही मेकअप करना पड़ता है. अनलेस यू नो कोई फंक्शन है या ऐसा कुछ है, मोस्टली एक ही मेकअप करना पड़ता है बिकॉज वो कैरेक्टर विल लुक द सेम एवरी डे. तो मुझे एक और चीज बताइए ना कि आपका जो ये मेकअप करते हैं टोटल कितना टाइम जाता है हेयर एंड मेकअप सब कुछ रेडी और ड्रेस के साथ रेडी होने में? पहले दिन लग सकता है एक घंटा. okay. एक से डेढ़ घंटा, बिकॉज ये खुद ही रेडी करते हैं या आपके पास ऑप्शन है कि हम खुद भी अपने आप भी तैयार हो सकते हैं? नहीं, फर्स्ट फ्यू डेज ऑब्वियसली वो लोग करते हैं. okay. प्रोडक्शन के जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मतलब लुक सेट होता है. हाँ. थोड़ा सा यू नो ट्रायल एरर करके थोड़े से लुक टेस्ट जिसको बोलते हैं. okay. उसमें सेट होता है कि उसकी चोटी रहेगी, उसके फ्रिंजेस होंगे. Okay. ये ऐसा कुछ. okay. बस वो जब लुक सेट हो जाता है. हाँ. फिर वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो घंटों भर बैठ के मेकअप कराए या फिर वो शॉर्टकट ले. okay. क्योंकि यू नो जैसे मैंने कहा कि साल साल तक देवीना को पसंद है बैठना.
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो लास्ट में मतलब ऐसा हो गया था, ये भी मैंने किसी से सीखा था, मेरी को एक्ट्रेस थी शिल्पा शिंदे, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि यू नो इतने घंटे तक मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते बैठेंगे तो फिर पूरे टाइम सेट पे ही रहना पड़ेगा, तो हम टाइम कैसे बचा सकते हैं, मेकअप गाड़ी में करके। तो मैं गाड़ी में ही मेकअप कर लेती थी, तो हिलते हुए डुलते हुए भी लाइनर करने की अभी मुझे आदत हो चुकी है। यू आर डूइंग अरेबियन मेकअप? नो, आई एम डूइंग एयरलाइन क्रू मेकअप। सोच तो टर्बुलेंस में मेकअप करना, इमेजिन। मैंने कभी ट्राई नहीं किया मेकअप, नहीं ट्राई किया, लेकिन ट्रबुलेंस होते ही कैसे अनाउंसमेंट होता है कि हाँ, तो हम लोग सब लोग सीट बेल्ट लगा के बैठ जाओ, लेकिन उस टाइम पे एयर होस्टेस सब काम कर रहे होते हैं। हम लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग गैली सिक्योर कर रहे होते हैं, हम लोग लेबोरेटरी सिक्योर कर रहे होते हैं, हम लोग मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कोई बेबी बेसिनेट में नहीं है, और ये सब करने के बाद हम कैप्टन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कैबिन सिक्योर है। तो कितना, बिकॉज़ टर्बुलेंस इज वन थिंग, कभी कभी पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे टर्बुलेंस फेस किया कभी? मैंने तो नहीं किया, बट ऑफ कोर्स मेरी एयरलाइंस में हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स। मैं और एक सवाल पूछ लेती हूँ जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, पूछो। कि यू नो केबिन में सीट के आसपास कैमरा लगा हुआ होता है, कैप्टन को सब कुछ दिखता है, सब सीट में क्या कर लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। कैमरा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फॉरवर्ड एरिया है कॉकपिट के पास, सिर्फ वहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग कैप्टन की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे होते हैं जब उनको लेबोरेटरी यूज करनी होती है। पूरे कैबिन में कभी कैमरा नहीं है। तो मेरी तो बेटियाँ ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं मेकअप में, क्या आपका बेटा भी ऐसा ही करता है? ओ हाँ, मेरा बेटा बोलता है आई वॉन्ट लिपस्टिक। So, वो लिपस्टिक बोल के मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे see children do like we know कि ये कॉस्मेटिक में बहुत केमिकल्स वगैरह होते हैं, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर देम। तो हाँ, वो बोलता है, अब मैंने उसके सामने मेकअप लिपस्टिक करना बंद कर दिया, लिपस्टिक एंड मेकअप करना ही बंद कर दिया है। मैं तो ऑलरेडी सोच रही हूँ मेरे मेकअप का ड्रॉर लॉक कर लग दो, जाएगा। कर दो, बिकॉज यू हैव टू गर्ल्स ना, तो वो तो उन लोग का मतलब मुझे ऐसा लगता खजाना है। मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो वो बोलते हैं कि चलो 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 ऐसे ड्रॉर खोलो और ड्रॉर से निकालते हैं कुछ, और नहीं करने देते तो मेरे रूम में बैठ के एकदम गला फाड़ के रोना स्टार्ट हो जाता है। आई कैन सी लेको बातों में उसने काफी मेकअप कर दिया, एंड दिस इज लुक्स लाइक अ वेरी कॉर्पोरेट मेकअप अभी तक। इट इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिस्ट, इट विल ऐड लॉट ऑफ नेचुरल ग्लो। This is one product जो सबके पास होना चाहिए। Okay, so this is from Tatcha. It's a Japanese Tatcha luminous DV glow. Really fab. Balm लगा ले। Stick से पहले मैं भी थोड़ा सा balm लगा लेती हूँ, तो वो हो जाता है। तो सच में air hostess लग रही है। मैंने अच्छा makeup किया है। For my surprise, सच में अच्छा हुआ है। मुझे ऐसी लग रही है। लग रही है ना? थैंक गॉड बच गए। मैं सच्ची में लग रही हूँ। देविना डिकोड्स नामक एयरलाइन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं देख लूं मैं कैसी लग रही हूं। हाँ, देख ले। रूट लग रही है। खुद ही बोला, मैं बोलती रहूंगी। मैं एक रूड सी एयर होस्टेस लग रही हूं। नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं सब। मैं तो सारे एयर होस्टेस पहले रूड ही लगते हैं अपने आप को। नहीं, रूड लग रही है। ये वो वाली एयरलाइंस वाली एयर होस्टेस है ना, जिससे पानी मांगने से भी डर लगता है। एग्जैक्टली, तुम वही लग रही हो। तो हमारा ये जो यू नो चिट चैट एंड you know doing that little bit of makeup on each other, it's more or less the same only, and it is just the technique that is different, but little aapke bit. aapke profession mein yehi hai, kabhi aap Sita Mata ban jao, kabhi aap girl next door ban jate ho, kabhi aap Vishkanya ban jate ho, kabhi aap Nach Baliye kar rahe ho, to aap kitne sare acts dikhate ho, to wo ek acha privilege hai hamare liye, mostly एक ही है, बट दिस इज लाइक ऑल डे मेकअप, फ्रेश मेकअप एंड वेरी प्रोफेशनल मेकअप। जो क्रू है वो समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ।
So both of us are looking nice, and she's looking really nice. I'm also looking like an air hostess. तो इसी के साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं. ऐसा ही मजेदार और भी कुछ देखना है तो आप भी ब्रेनस्टॉर्म करके बताइए, साथ में मैं तो करती रहूंगी. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिबीना डिकोड्स फ्रॉम वन ऑडियंस ऑफ दिबीना डिकोड्स टू यू नो नाउ अ फ्रेंड एंड नाउ अ पार्ट ऑफ दिबीना डिकोड्स. थैंक यू. आई लव यू एंड आई लव यू गाइस. बाय.